हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। हाँ दोस्तों, आज मैं बताएगा आप लोग को जो क्लैंप मीटर होता है, हमारा जो क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर कैसा यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को पहले बताता हूँ क्लैंप मीटर में कौन सा पोजीशन में क्या सिंबल रखा गया और उसका कौन सा सिंबल में रख के आप क्या चेक कर सकता है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, ये जो पहले वाला हमारा जो है, ये पहले वाला जो है हमारा जो वोल्टेज चेक करने के लिए, क्लैंप मीटर में आप वोल्टेज भी चेक कर सकता है। ये वाला जो सिंबल है सफ़ेद कलर का, ये देख रहा है, इसको ऐसा करके आप वोल्टेज में रखेगा तो आप वोल्टेज, ये वाला सिंबल से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसका दूसरा नंबर में जो है ये डीसी वाला वोल्टेज चेक कर सकता है। देख पा रहे हैं आप लोग, वोल्टेज डीसी वाला वोल्टेज देख पाएगा। उसका बाद देखिए, उसका बाद जो है ये वाला सिंबल है, ये हमारा जो डायोड है, रेजिस्टेंस डायोड चेक करने के लिए है, और कोई मोटर कुछ भी है उसका रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। मतलब इसको ये वाला सिंबल में आप रख के, ये वाला पोजिशन में रख के आप रेजिस्टेंस चेक कर सकता है। उसका बाद में आएगा हमारा जो क्लैंप मीटर का मेन काम है, क्लैंप मीटर यूज करा जाता है, उसका मेन काम है जो ये हमारा देख रहा है, ये वाला जो है ये एसी वाला सप्लाई है। एसी वाला जो हमारा करंट रहता है, एसी वाला करंट को मेजर करने के लिए आपको इस वाला पोजीशन में रखना पड़ेगा, इस वाला पोजीशन में आपको रखना पड़ेगा। और उसका बाद देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये डीसी का सिंबल दिया गया है और ए लिखा है, इसका मतलब इसमें डीसी करंट आप चेक कर सकता है, डीसी करंट इसको चेक कर सकते हैं। उसका बाद देखिए, नीचे में जो ए वाला जो बटन देख रहा है, येलो कलर का बटन है, ये हमारा दो सेकेंड आप इसको स्पेस करके रखेगा तो हम ये जो डिस्प्ले है, क्लैंप मीटर का जो डिस्प्ले है, इसका लाइट चालू हो गया। देख पा रहे हैं अभी लाइट चालू हो गया। अभी दो सेकेंड इसको प्रेस करके रखे तो लाइट बंद हो जाएगा। ये डिस्प्ले का ये हो गया, ये हमारा ऑफ पोजीशन है। अभी देखिए, इसको घुमा घुमा के लेके आएगा तो ऑफ लिखा है, इस पर रख देगा तो ऑफ हो गया। अभी देखिए, कोई भी पोजिशन में रख के, ये वाला जो बटन देख रहा है ये होल्ड है। कोई भी जगह पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उस रीडिंग को आप डिस्प्ले में होल्ड करके रखना चाहता है तो ये वाला बटन दबाएगा तो ये होल्ड हो जाएगा। देख पा रहा है इसमें लिखा है, होल्ड करके लिखा है, ये वोल्टेज डीसी ऐसा होल्ड हो जाता है। तो अभी फिर से इसको आप फिर से लेना चाहता हो तो पहले आपको ये होल्ड वाला बटन प्रेस करके होल्ड को रिलीज कर देना पड़ेगा, नहीं तो आप देख नहीं पाएगा आपका करंट कितना दिखाई दे रहा है, क्या वोल्टेज कितना दिखाई दे रहा है, वो आप देख नहीं पाएगा। इसी तरीके से आप यूज कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो है ये भी और ये एसी का सिंबल है, एसी जो सप्लाई रहता है उसका सिंबल है। तो ये क्लैंप मीटर से आप एसी वोल्टेज मेजरमेंट कर सकता है। दूसरा नंबर में आता है डीसी वोल्टेज, आप चेक कर सकता है, डीसी वोल्टेज मेजरमेंट कर सकता है। और तीसरा नंबर ये वाला जो सिंबल बता रहा है, ये वाला सिंबल में आप कॉन्टिन्यूटी मेजर कर सकता है, जैसा मोटर, पंखा, फ्रिज कुछ भी है उसका कॉयल का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, डायोड चेक करने के लिए, ये वाला सिंबल में रख के आज यूज कर सकता है। दूसरा नंबर में इसमें देखिए, इसमें जो ए लिखा है, एसी सप्लाई का सिंबल दिया है और ए लिखा है, इसका मतलब आप इसमें एम्पियर मेजरमेंट कर सकता है। एसी वाला जो एम्पियर रहता है करंट, उसको चेक कर सकता है। और दूसरा नंबर में जो ए लिखा है, इसमें डीसी का सिंबल दिया गया है, मतलब इसमें डीसी करंट आप चेक कर सकते हैं, डीसी एम्पियर मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब डीसी कितना एम्पियर लोड आपका जा रहा है वो आप मेजरमेंट कर सकता है। अभी मैं वोल्टेज मेजरमेंट करता हूँ। देखिए, वोल्टेज हमारा एसी वाला वोल्टेज आपको बताएगा, देख रहा है अभी 230 वोल्ट एसी सप्लाई बता रहा है। तो ऐसा करके आप इसमें वोल्टेज भी चेक कर सकता है और इसमें डीसी वाला जो वोल्टेज है वो भी चेक कर सकता है, लगा के आपको चेक करना पड़ेगा। उसका बाद मैं बताता हूँ एसी वाला जो करंट रहता है, करंट आप कैसे चेक करेगा। देखिए, मैं एक लोड लिया हूँ, लोड को मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद देखिए, ये वाला इसको आपको एसी वाला मैं चेक कर रहा हूँ, तो एसी वाला जो एम्पियर है उसमें मैं सेटिंग किया है, एसी का जो सिंबल दिया उसमें सेटिंग है। उसके बाद मैं करंट चेक करूँगा, करंट चेक करने के से देखिए मेरे को बता रहा है करंट, इसको बराबर यूज करने का करंट देखिए दिखा रहा है, करंट कितना दिखा रहा है, ऐसा करके करंट बता रहा है, देख पा रहे हैं आप कितना करंट बता रहा है। तो ऐसा करके आप चेक कर सकते हैं। कभी भी क्लैंप मीटर को ऐसा करके दोनों एयर में लगाना नहीं है, क्योंकि दोनों एयर से लगाने से आपको कोई वैल्यू नहीं बता गया। देखिए, आपकी जीरो बता रहा है, अभी जीरो बता रहा है, देख पा रहे हैं आप जीरो बता रहा है। तो ऐसा जीरो दोनों एयर में लगाएगा तो ऐसा जीरो बताएगा। तो इसीलिए कभी भी करंट मेजरमेंट करना है तो आपको सिंगल वाला एक वाला वायर में लगा के आपको चेक करना है। तो
तो अलग अलग वायर करके चेक करना है, क्योंकि डायरेक्ट एक केबिल का अंदर जो चार पांच वायर रहता है उसमें आप केबिल का बाहर में डायरेक्ट लगा देगा तो उसमें आपको करंट का रीडिंग बराबर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप दोस्तों कभी भी जो क्लैंप मीटर यूज करेगा ध्यान से यूज करने का, ऐसा करके यूज करेगा तो आपको प्रॉपर तरीके से एम्पियर मिलेगा कितना लोड ले रहा है। हाँ, तो आज का वीडियो इतना तक है। आपको क्लैंप मीटर का यूज करने का पर्पस में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल में आप नया है तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ा रहिए, क्योंकि आगे ऐसा वाला वीडियो मैं आप लोग को बता सकता है। और मल्टीमीटर का कोई यूज करना है तो मल्टीमीटर का भी वीडियो हमारा चैनल में दिया गया है।